जय हिंद। मैं आपका अपना संदीप सर, जो एक रिकग्निशन, एक रेस्पेक्ट सोसाइटी में एक सोल्जर को मिलती है वो किसी को नहीं मिलती है, चाहे वो फौज में हो, चाहे रिटायर हो, चाहे जीवित हो, और चाहे हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया हो, उसका स्थान हमेशा सबसे ऊपर होता है। मुझे बड़ी खुशी है, सीना मेरा गर्व से चौड़ा हो जाता है कि पिछले 18 वर्षों में टून डिफेंस अकेडमी ने ऐसे कितने अनगिनत सोल्जर इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं। उसमें चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, या इंडियन एयरफोर्स हो, टून डिफेंस अकेडमी की ये गाथा, ये इतिहास आज हिंदुस्तान में हर एक घर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में गूंज रहा है। ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग यूनिट, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, ऐसा कोई भी कोना नहीं है इंडिया का जिसमें आज टून डिफेंस अकेडमी के डायमंड्स अपना परचम ना लहरा रहे हों। और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक अंतिम सांस मेरे शरीर में है। मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करता रहूँ, गाइड करता रहूँ, उनका मार्गदर्शन करता रहूँ, प्रोत्साहित करता रहूँ, मोटिवेट करता रहूँ और एजुकेट करता रहूँ। आफ्टर रिटायरमेंट मेरी ये पूरी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित है। जब तक मैं इंडियन नेवी में था तो यूनिफॉर्म में देश के लिए समर्पित थी, और जब मैं इंडियन नेवी से रिटायर हुआ, आज 18 साल लगभग हो गए हैं, तो टून डिफेंस एकेडमी के माध्यम से देश के लिए समर्पित है। ऐसे तो जीने के लिए सब लोग जीते हैं, काम करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, रात को सोते हैं, और ऐसी ज़िंदगी तमाम होती रहती है। बट अगर एयरक्राफ्ट ना उड़ाया तो क्या जिए, फाइटर प्लेन ना उड़ाया तो क्या जिए, टैंक ना चलाया तो क्या जिए, सबमरीन में ना अपना योगदान दिया, शिप में अपना योगदान दिया, और सबसे बड़ी बात भारतीय तिरंगा के लिए अपना योगदान ना दिए तो क्या बात। एक फौजी को जो लाइफ नसीब होती है, जीने के दौरान भी और मरने के दौरान भी, वो अनबिलीवेबल है। आइए कुछ स्लोगन्स आपको दिखाता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बार बार लगातार यही समझाना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एक डिफरेंट करियर देख रहे हैं, ऐसा कुछ करने का देख रहे हैं, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो अलग हो, सबसे डिफरेंट हो, तो उसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस से अच्छी जॉब कहीं नहीं है। ज़रूर सोचें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपके पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं वो ज़रूर सोचें। देखिए, ज़िंदगी में अगर कुछ अलग ना किया तो क्या फ़ायदा, ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट ना किया तो क्या फ़ायदा, ऐसे तो सब लोग कहते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ, कुछ अलग करिए,
को जुदा करिए, तो शायद जल्दी से कोई ना करे वो आप करिए, डिफरेंट करिए, तो रात को नींद बड़े आराम से इत्मीनान से आएगी, शायद सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने कुछ किया है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने सोचा है तो आपके पंखों को उड़ान संदीप सर ने किया। आपके सपनों को उड़ान संदीप सर देंगे, संदीप सर की धुन डिफेंस अकेडमी देगी। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके साथ बात करता हूँ। 32-33 साल हो गए इंडियन नेवी ज्वाइन किए हुए और 18 साल लगभग रिटायरमेंट के मुझे हो गए हैं, और आज भी ये लगता है कि कुछ करना और अभी भी बाकी है। आप जैसे हजारों हजारों यूथ को मार्गदर्शन देना अभी भी बाकी है। मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे ऑपरेशन कारगिल में, ऑपरेशन विजय में कारगिल के दौरान मेरी सबमरीन को मौका मिला था कि पार्टिसिपेट कर सकूं। ऑल दो फुल फ्लैश वार नहीं हुई थी, बट मैं अपनी सबमरीन के साथ रेडी था और नेस्ताबूत करने के लिए पाकिस्तान को। चलिए अब आपका टर्न है, तो आपकी बारी है, और किसी भी तरह कोई भी शंका है उसका समाधान के लिए संदीप सर आपके साथ है। फॉर मोर डिटेल विजिट अवर वेबसाइट www.dhundefenseacademy.com, और याद रहे नक्कालों से सावधान, ओरिजिनल ओरिजिनल है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, और ये मेडल ऐसे ही नहीं मिलते, याद रखना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।